सनसिटी दफनभूमि में हुआ 10 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। होटल गैलेक्सी रेसिडेंसी होटल ग्रांड रेसिडेंसी को मनपा नगर रचना द्वारा दिए गए परमिट के हिसाब से न बनाकर भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत कर अवैध बांधा काम किया। वही वसई की विवादित बिल्डिंग ग्रीष्म गार्डन, जो कि भारत सरकार की नमक की खेती की जमीन पर बनाया गया अवैध बंगला हॉल, गाड़ियों की सर्विस सेंटर का अवैध बांध काम कर मनपा को दिखा रहा है। बिल्डर ने भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर इन अवैध बांध काम को अंजाम दिया है। किशन जी, आखिर आंदोलन करने का क्या प्रयोजन है? आंदोलन करने का प्रयोजन यह है कि हमारे वसई वेस्ट में दीवान मान सन सिटी में इन्होंने एक निविदा निकाला था दफन भूमि के लिए, जिसके अंदर इन्होंने 5 करोड़ रुपये का ठेका निकाला था और जिस ठेकेदार को 5 करोड़ का ठेका दिया था उसका लाइसेंस 3 महीना पहले एक्सपायर हो गया था। और जब उसकी हमने RTA से जानकारी निकाली, उसके बाद कार्रवाई की मांग की। 2015 से 2019 हो गया, अभी हमसे रेगुलर पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन लोग कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं, न ठेकेदार के ऊपर न तो जिस अधिकारी ने उनको ठेका दिया था उसके ऊपर। आप नगर पालिका में गए थे? नगर पालिका में बहुत बारम्बार अपने बहुत कंप्लेंट किए, बहुत लिखित शिकायत किए हैं। किससे किए थे? आयुक्त से किए थे। इसमें आयुक्त कौन है? इसमें BG पवार हैं, उनको भी कंप्लेंट किए। उसके पहले सतीश लोखंडे थे, उनको भी कंप्लेंट किए, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सुनने। और होटल गैलेक्सी का क्या है? अच्छा, उसमें एक और है, उसके अंदर दफन भूमि में जिस ठेकेदार को इन्होंने काम दिया था, उस ठेकेदार ने 4.25 करोड़ रुपये का मिट्टी भी चोरी किया मौसम विभाग का। और तलाटी का रिपोर्ट है, तहसीलदार ने इनको नोटिस भी मारा है कि 4.25 करोड़ रुपये भरो, अभी तक महानगर पालिका ने वो भी पैसा नहीं भरा है उनसे। गैलेक्सी होटल का ये है कि गैलेक्सी होटल के लिए महानगर पालिका ने उनको ग्राउंड प्लस 6 मल्ले का रहने के लिए परमिशन दिया था रेसिडेंशियल, इन्होंने उसको कमर्शियल बना लिया, पूरा लॉज बना के वहाँ पे अनलीगल धंधे चालू हैं और ऊपर से एक मल्ला और अनलीगल बना लिया इन लोगों ने। शिकायत करने के बाद महानगर पालिका सोई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और भीमा गार्डन का? ग्रीष्मा गार्डन का भी ऐसे ही है। ग्रीष्मा गार्डन की नमक की खेती में जमीन है, वो गलत तरीके से वहाँ पे अवैध बंगला, अवैध हॉल, शादी का हॉल, अवैध बड़ा गैरेज, गाड़ी धोने वगैरह का सर्विस सेंटर, ये सब अवैध वहाँ पे बनाया गया। ये सब अवैध बना के इन्होंने बहुत भारी पैमाने पे महानगर पालिका का नुकसान किए, और इसमें महानगर पालिका के अधिकारी इन्वॉल्व है। आप कितने दिन से आंदोलन में बैठे हो? आज हमारा दूसरा दिन है और हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है, जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम आंदोलन नहीं। अभी कुछ नगर पालिका की तरफ से कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। इसके आगे आप क्या करने वाले? आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जारी